नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। हरियाणा डायरी में हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चौमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा डायरी। हरियाणा वो प्रदेश जिसकी गिनती देश के अग्रणी राज्यों में की जाती है। हरियाणा की छवि वर्तमान शासन में और भी ज्यादा मजबूत हुई है, क्योंकि बढ़े गए हैं जहां से होकर नागरिकों को उन तमाम कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त हो रहे हैं जिनके वो हकदार हैं। इसी कड़ी में मनोहर सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों के विकास के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के लिए परिवारों के पहचान पत्र के जरिए लोगों को लाभ पहुंच रहा है और गरीब जरूरतमंद को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए पुरजोर तरीके से यहाँ पर प्रोत्साहित किया जाता है। इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री का सोच है कि योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचे। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत। इस योजना के तहत कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन की शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया गया है, ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख से 1,80,000 तक प्रति वर्ष बढ़ाई जा सके। मुख्यमंत्री के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के लोगों का निरंतर विकास सुनिश्चित हुआ है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2022 गुरु रविदास की 644वीं जयंती के अवसर पर किया था। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब हम प्रदेश के हर नागरिक और हर परिवार उसका डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं और सर्वे कराने के बाद हर परिवार का सोशो इकोनॉमिक स्थिति स्टेशन क्या है और उसके आधार पर उसको किस किस योजना का लाभ लेने का वो पात्र है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, वो जो पात्र होगा उस पात्र को ही सबसे पहले उस योजना का लाभ मिलेगा। अगर मेरिट स्कीम हमको बनानी होगी तो वो रिवर्स इकोनॉमिक जो उसका स्टेटस है वो उसकी मेरिट होगी। सबसे ज्यादा जो कम आय वाला व्यक्ति होगा वो सबसे पहला पात्र होगा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। 1 लाख परिवार उसकी सिलेक्शन वो हमने शुरू कर दी है। लगभग 12-13 हजार परिवारों का आय का जो जो मूल्यांकन है, आय का वेरिफिकेशन है, वो हमारे पास होके आ गया है। साथ साथ आता रहेगा, साथ साथ हम काम करते रहेंगे। लगभग 1 लाख परिवार की पहले चरण के अंदर ये हमारी योजनाएं होंगी। उसमें 8-10 तरह के काम डिपार्टमेंट्स ने मिलकर सोचे हैं, जिसमें उनकी ऑप्शन ली जाएगी कि वो क्या काम करना चाहता है। वो कहीं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति होंगे इसमें, सामान्यतः जो अनपढ़ गरीब परिवार हैं वो ही ज्यादा होंगे और उनको जो काम करने लायक खास करके मजदूरियां हैं, कई तरह की ठेकेदारी की मजदूरी है, कहीं मनरेगा का काम है, कहीं पंचायत में तरह तरह के काम है, या इंडस्ट्री के अंदर इस प्रकार के लोगों की प्राइवेट नौकरियों की जरूरत पड़ेगी तो वो उनको ऑफर करेंगे। कुछ इंडस्ट्री के लोगों से हमारा तालमेल कर भी लिया हमने और जहां कहीं सरकार में आवश्यक होगा, उसकी इतनी योग्यता किसी की होगी तो सरकार में देंगे। कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाते अपना रोजगार करना चाहता है, मानो कोई दो पशु बांध करके दूध का काम करना चाहता है तो उसको आर्थिक सहायता उसकी वो कराएंगे, बैंक से कराएंगे। बैंक से बहुत सी स्कीमें हैं, बहुत सी ये जो माइक्रो फाइनेंस के सिस्टम्स हैं बहुत एजेंसियों के, उनके साथ हमने बातचीत की है, उनका हम भी जो है अपने सिस्टम से उनको सहायता कर सकते हैं। अर्थात कोई भी परिवार जिसकी न्यूनतम आय 1 लाख रुपया प्रति वर्ष जरूर हो, ऐसी योजना पर हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से राज्य के गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया है। ये एक ऐसी योजना है जिसके जरिए गरीब परिवारों के पहचान पत्र बनाए जाते हैं और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए
उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। यही नहीं, हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत कुछ परिवारों को चयन भी किया जाता है, जिनकी आय को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास करने की पूरी रूपरेखा भी तैयार की जाती है, जिसके तहत इन सभी परिवारों को विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है और इसमें आवेदन करवाने के लिए भी एक ऐप का शुभारंभ किया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं हरियाणा सरकार परिवार स्तर पर आर्थिक सहायता के लिए तत्पर। 1 लाख सालाना से कम आय वाले परिवारों के बनते हैं परिवार पहचान पत्र। परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का किया जा रहा है प्रयास। पहचान पत्र बन जाने से सरकार के पास होगी लाभार्थियों की सूची। सरकार की ओर से सूची के जरिए लाभार्थियों के उत्थान का प्रयास जारी। सरकार की ओर से बेरोजगार नागरिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण किए जाते हैं प्रदान। राज्य के लगभग 1 लाख परिवारों को योजना का मिल रहा है लाभ। शिरोमणि गुरु रविदास जी के 644वीं जयंती के अवसर पर योजना की शुरुआत। सीएम मनोहर लाल ने वीसी के जरिए की हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की घोषणा। हरियाणा के नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है योजनाओं का उद्देश्य। हरियाणा में योजना के लागू होने के बाद बेरोजगारी दरों में गिरावट आई। राज्य के गरीब नागरिकों को योजना के तहत मिल रहे हैं रोजगार के अवसर। योजना के जरिए राज्य के गरीब परिवारों को दिया जा रहा है ज्यादा धन कमाने का लाभ। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के जरिए गरीब भी हो सकते हैं विकसित। हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के पोर्टल के बारे में दी जा रही जागरूकता। योजना के जरिए कम आय वाले परिवारों की वित्तीय सहायता होती है प्राथमिकता। सरकार की ओर से हरियाणा राज्य में पैदा होते हैं रोजगार के नए अवसर। वार्षिक आय 1 लाख से कम वाले परिवारों को मिलती है आय में वृद्धि के अवसर। सरकार की ओर से स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था। वहीं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों की आय बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से पहले 2 चरणों में आयोजित अंत्योदय मेलों में लगभग 50,000 से ज्यादा परिवारों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। उम्मीदवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आवेदक के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या हो सकता है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्थायी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र। वहीं इस योजना के तहत हरियाणा के सरकारी महकमों, बोर्ड निगमों और सरकारी संस्थाओं में फिर से अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की भर्ती होगी। प्रदेश सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की भर्ती पिछले साल 28 सितंबर से लगी रोक को हटा दिया है। कच्ची नौकरियों में गरीब परिवारों को, युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और नौकरी के लिए अंत्योदय परिवार की सूची में शामिल परिवारों, सक्षम युवाओं और जरूरतमंद लोग जिनके परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि योजनाओं के तहत शामिल विभाग कौन कौन से हैं। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी, हरियाणा राज्य बाल भवन परिषद, महिला विकास निगम, पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम हरियाणा, कौशल विकास मिशन, अनुसूचित जाति एवं वित्तीय विकास निगम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, रोजगार विभाग, मत्स्य पालन विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग,
ग्रामीण विकास विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। वहीं हमारे देश में काफी ऐसे लोग हैं जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपना जीवन अच्छे से यापन नहीं कर सकते और ऐसे में उन्हें काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से गरीब जरूरतमंदों की जीवन स्तर ऊपर उठाने में काफी हद तक राहत मिलेगी और उन्हें विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ हरियाणा के पात्र नागरिकों को हो रहा है। हरियाणा और प्रदेशवासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे मनोहर सरकार में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए विशेष योजना चलाकर लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस विशेष रिपोर्ट के जरिए देखिए। सरकार ये गरीब की सरकार, ये उस जरूरतमंद की सरकार, नीडी आदमी की, जिसको जिसको समय पर जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल सके, इसके लिए हम काम करते हैं। हरियाणा में गरीब और जरूरतमंदों के लिए काम कर रही मनोहर सरकार ने हरियाणा की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। गरीब परिवारों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर प्रयासरत हैं। सरकार का प्रयास है कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को उन महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल सके जिसके लिए वो पात्र हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 1,80,000 रुपए से कम सालाना आय वाले परिवार को योजना के तहत लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। हम हर उस गरीब परिवार को जिसके घर में दो समय का भोजन नहीं बन सकता या मानो 1,80,000 से नीचे इनकम है तो राशन कार्ड जरूर पहुंचना चाहिए। 1,00,000 रुपए की इनकम के परिवार वालों में से किसी न किसी को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो हमने चलाई है उसमें किसी को रोजगार मिलना चाहिए। अगर वो कहीं कोई प्राइवेट काम करना चाहता है, पैसे की उसको आवश्यकता है, तो हम बैंक से लोन लेकर के भी देते हैं। ये काम भी हम कर रहे हैं गरीबों के लिए। हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में हरियाणा के हर क्षेत्र, हर वर्ग को तेजी से विकास संभव हो सका है। गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही मनोहर सरकार में हरियाणा में नागरिकों के स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार हरियाणा में 15.5 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया है। वहीं इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने चिरायु हरियाणा योजना शुरू कर आज लगभग 32 लाख परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ प्रदान किया है। जो गरीब परिवार हैं उनको आयुष्मान भारत के नाते से 5 लाख आयुष्मान कार्ड के नाते से योजना जो बनाएगी प्रधानमंत्री जी ने बनाई 5 लाख रुपया हर परिवार का स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी सबको लेके दिया। 15.5 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ ये केंद्र सरकार ने दिया। फिर भी हमें लगा कि योजना और लोगों को मिलनी चाहिए। जैसे हम राशन कार्ड अभी 27 लाख पहले वाले और जो नए 4 लाख या 5 लाख और जुड़े हैं, लगभग 32 लाख से ऊपर लोगों को राशन कार्ड मिला है। ऐसे सब लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ एक नई योजना चिरायु हरियाणा करके जोड़ी, उन लाभ देने के लिए भी हम आगे आए हैं। हरियाणा प्रदेश और प्रदेशवासियों को विकास के पथ पर आगे लेकर बढ़ रही हरियाणा की मनोहर सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी लेकर आई है, जिसके तहत करीब 1 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को स्वास्थ्य परीक्षण इनका किया जाएगा और इस क्रम में अभी तक 4.5 लाख से भी ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है, जिससे कि किसी भी बीमारी का पता पहले ही लग जाए और उसका इलाज समय पर किया जा सके। ऐसे जो लोग हैं जो बीमार हुए नहीं हुए हों, लेकिन कभी भी उनको कोई अस्वस्थता का कारण बन सकता है, तो ऐसे लोगों का क्यों नहीं एक बार यानी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण ये होना चाहिए। हमने इस योजना को भी लागू कर दिया है और इस योजना का नाम रखा है निरोगी हरियाणा। और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारी सीएससीज हैं, जहां पर ये टेस्ट
करवाए जा सकते हैं। ऐसे सब जगह वो टेस्ट कराने शुरू किए हैं। अभी तक 4.5 लाख लोगों का ये टेस्ट परीक्षण हो चुका है, बड़ी संख्या है, 1 करोड़ के लगभग संख्या है। हम आगे चल करके जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितने लैब्स हैं टेस्ट करने वाली, इन सबको भी एक सरकारी उनके साथ समझौता करके इनके वहां भी ऐसे जो परीक्षण हैं उनको करने का और एक हम कार्यक्रम लेने वाले हैं, ताकि करोड़ों की जनता का जो परीक्षण है ये पहले हो सके। जब स्वास्थ्य परीक्षण होगा तो छोटी बड़ी कमी चाहे जो भी नजर आएगी उसका समय पर इलाज कराना ये कई बार संभव हो पाता है। अगर पता न लगे तो बीमारी इस स्तर तक पहुंच जाती है कि कई बार तो वापस लौटना भी मुश्किल हो जाता है, कि बीमारी गंभीर हो जाती है, गंभीर बीमारी लाइलाज बीमारी, तो जीवन भी जोखिम में पड़ जाता है। तो प्रारंभ में ही अगर कोई चीज मिल जाती है तो उसको उसके हिसाब से ठीक किया जाता है। जैसे कहावत है अंग्रेजी में, निप द इविल इन द बड, कि कोई भी ऐसी बुराई है उसको प्रारंभिक चरणों में उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो यही हमारे शरीर के रोग के साथ है, अगर प्रारंभिक भी कोई जानकारी मिल जाए तो उसका तुरंत इलाज कराना संभव हो जाता है। राज्य के विकास और नागरिकों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह आह्वान किया कि जो परिवार आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए ऐसे परिवार स्वेच्छा से सरकारी लाभ को छोड़ दें, जिससे कि किसी अन्य जरूरतमंद परिवार को इसका फायदा मिल सके। जब 1966 में 65 में जब देश में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, हमको पता है उस समय अन्न का संकट हुआ था, अपने देश में अन्न कम हो गया था, खाने वाले लोगों की जितनी मात्रा थी उसकी तुलना में। उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने कहा कि हम हरित क्रांति के माध्यम से अन्न जब पैदा करेंगे तब पैदा करेंगे, लेकिन तात्कालिक आवश्यकता यह है क्या समाज के लोग सप्ताह में 7 दिन में अगर वो 21 बार भोजन करते हैं, कोई 3 बार करता है, या 14 बार भोजन करते हैं, 2-2 बार करते हैं, तो क्या एक समय का भोजन छोड़ सकते हैं। मुझे आज भी बहुत बुजुर्ग ऐसे मिलते हैं जो सोमवार रात्रि का भोजन वो लाल बहादुर शास्त्री जी की अपील पर जो छोड़ा था आज भी उन्होंने जीवन में अपनाया हुआ है। तो ये अपील हमेशा समाज में जो जागृत व्यक्ति होता है, जिनको लगता है कि हमको देश और समाज की मुख्य धारा में होकर चलना है, और अगर हम अपनी आय बढ़ा करके सीमा से बाहर जाते हैं, तो अपील मैं भी करता हूं, आखिर ये राशन कार्ड के नाते से या बीपीएल के नाते से हमको सालाना लाभ कितना मिलता है। हमको सालाना लाभ मिलता है अगर 20 किलो अनाज एक परिवार का एवरेज जाता है और 20 रुपया किलो का भी लाभ हो तो 400 रुपया महीना अर्थात 48 रुपया साल, अब और कुछ छोटे मोटे लाभ मिला करके 6000 रुपया साल, तो 6000 रुपये साल का ही हमको लाभ मिलता है। हमारी कमाई अगर 6000 रुपये बढ़ जाए, 1,80,000 की बजाय 1,86,000 हो जाए, तो हम क्यों नहीं इस 6000 का जो भुगतान अपने पास से करके इस लाभ को छोड़ सकते हैं, ताकि हमारा छोड़ा हुआ ये जो सरकारी जो भी लाभ मिलता है ये लाभ किसी गरीब आदमी को मिले। जिस गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है उसको ज्यादा मिलेगा, तो वो हमको दुआएं देगा, हमारे ऊपर आशीर्वाद हमारे पर देगा। हरियाणा की मनोहर सरकार गरीब और जरूरतमंदों की सरकार है, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, और दिशा में प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचा रही है। ये सुनिश्चित कर रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आर्थिक सोच और नीतियों से जहां नागरिकों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वहीं हरियाणा का मनोहर विकास हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की जयंती है, इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया है। तो देखते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कुछ लिखा है। मुख्यमंत्री ने लिखा है, महान भारतीय संत, प्रसिद्ध विचारक एवं आध्यात्मिक गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। मुख्यमंत्री ने आगे लिखा है, आध्यात्मिकता और आदर्श नीति से पूर्ण मानव कल्याण की उनकी शिक्षा हम सभी के लिए सदैव प्रेरणादायी रहेगी। तो चलिए, वक्त हो गया है आज के सवाल के विजेता का नाम जानने। तो बात अब आज की विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं।
तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसका सही जवाब है सी, साल 2020। ढेरों जवाब आए लेकिन आज के हमारे विजेता हैं राजेश धनखड़ भिवानी से। राजेश आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज के मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही एक शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है अनिल कुमार, जो की पलवल से खेल अधिकारी के पद पर काबिज है। सुनिए। योगा की प्रतियोगिता डिस्ट्रिक्ट लेवल की कराई गई, तो इसमें हमारे कई इवेंट्स में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जैसे ट्रेडिशनल योगा है, आर्टिस्टिक पेयर है, आर्टिस्टिक सिंगल है, रिदमेटिक पेयर है, इस तरह से कई इवेंट यहाँ पे कराए गए। इनका उद्देश्य तो देखो अच्छा, बच्चों की अच्छी हेल्थ रहे, बच्चे जुड़े रहें, और आगे इनको जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कैश प्राइज मिलता है आगे स्टेट खेलने पे, और भी इनको फैसिलिटीज देती है सरकार, तो बेनिफिट रहता है इन चीजों का, प्रतियोगिताओं का। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए हम नजर डालते हैं आज के सवाल। हरियाणा में गर्वित ग्रामीण विकास तरुण योजना कब शुरू की गई थी। ए 11 जनवरी 2019, बी 13 जनवरी 2023, सी 15 जनवरी 2010, डी 12 जनवरी 2015। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।